स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1 ओपीएस मेंस क्लासेस में कराने जा रहे हैं। चैप्टर 10 है स्टेटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द क्वेश्चन केयरफुली ऑल ऑफ यू। इन अ रिटेल मार्केट है, फ्रूट वेंडर्स कौन है? फ्रूट वेंडर्स जो रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स है, गलियों में आवाज लगाने वाले, वर सेलिंग मैंगोस को बेचते हैं कैप इन पैकिंग बॉक्सेस। किसमें? पैकिंग बॉक्सेस में। दीज बॉक्सेस कंटेंट वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोस। अलग अलग पैकिंग में, बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोस है। द फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। फाइंड द मेन नंबर मैंगोस कैप इन अ पैकिंग बॉक्स। पैकिंग बॉक्स में कितने वो मैंगोस रखे गए हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन सबका एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज? हमारे पास तीन मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है, एक एज्यूमिंग मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तो यहाँ पर हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, आप यहाँ से पहले जो बनाएंगे हम नंबर ऑफ मैंगोस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हम वर्टिकली यहाँ पर लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोस हॉरिजॉन्टल बना लिया, आपको हॉरिजॉन्टल था वर्टिकल बना लिया, आपको दिया था उसमें बुक में मैंगोस कितने 50 से 52 है, ऐसे बॉक्सेस कितने 15, और इस जिस बॉक्स में मैंगोस 53 से 55 है वो 110 बॉक्सेस है। अभी 56 से 58 मैंगोस हैं, वो 135 बॉक्सेस हैं। तो इधर बॉक्सेस हैं, इधर नंबर ऑफ मैंगोस हैं। तो यहाँ पर हम कॉलम लेंगे टोटल का। अब हम यहाँ पर सिग्मा का मतलब है फ्रीक्वेंसीज का एड, तो सिग्मा एफ आई है, हम इस सिग्मा एफ आई को करेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 400। इन सबको आप टोटल करोगे, टैली कर सकते हैं, 400 आएगा। क्लास मास या मिड वैल्यू एक्स आई बोलते हैं इसको। अब 50 और 52 इसी मिलाएंगे कितना आएगा 102, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 51। अब हम 55 53 को मिलाएंगे 108, तो 108 को करेंगे तो 54। अब हम क्या ले रहे हैं, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं वो रेगुलर हैं, एक जैसा साइज है, तो इसमें 51 में 3 ऐड हो गया तो क्या आया 54 में 3 करो 57, फिर 60, फिर 63। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 59 और 61 मिलकर के 120 हुए, 2 से डिवाइड करोगे 60। मिड वैल्यू क्लास मास, क्लास मास का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर, माइनस का साइन नहीं है, इसे क्या रीड करेंगे 52। मैंगोस के नंबर्स कितने 50 से 52। अब इसके बाद ये इसे नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं एफ आई, जैसे आई की वैल्यू बदलेगी F1, F2, F3, F4, F5, सिग्मा सबका टोटल। अब हम UI, XI, XI, एक हमारे पास है ये को बोलते हैं आप एज्यूम मीन, मतलब माना हुआ, एज्यूम मीन मतलब माना हुआ, इमेजिनरी 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच में कौन सा आएगा, बीच वाला आपका एक आ गया बीच वाला, इसको अंडरलाइन कर दो, हैव यू गॉट इट, ये अंडरलाइन कर दिया। अब जो एक्स आई है ये, अगर बीच में 2 आते तो आप जो बड़ा होता फ्रीक्वेंसी उसको ले लेते बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पर एज्यूमिंग यहाँ पर एक इतना यूज होगा 57। अब हम डायरेक्ट इसमें स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, इसे याद कर लो UI XI माइनस A/H। ये बहुत कम टीचर्स आपको बताते हैं, आंख बंद करके जो एज्यूमिंग लिया है उसके आगे 0 लिख दो, आएगा ये कैलकुलेशन से 0, इधर इंटरवल बढ़ रहा है 0 के बाद काउंटिंग में 1, 2, इधर घटेगा -1, -2, 0 के बाद चलेंगे 1, नीचे मत लिखना 0 के बाद 1,
-1 -2 यही आएगा। आप कहेंगे सर आप यू बोल रहे हैं कैसे, एक्स आई कितना है 51, एज्यूमिंग कितना लिया था आपने 57, और इसका जो एच है एच यहाँ 52 -50 करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि अगला नंबर कहां से शुरू हो रहा है 53 से। समझ में आया? तो अंगुलियों पर गिनो 50 51 52, एच कितना है क्लास साइज 3, क्लास साइज कितना है 3। यहाँ आप 52 -50 नहीं कर सकते, 55 -53 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगला इंटरवल कहां से शुरू हो रहा है, तो 52 सी में आएगा, इसमें काउंट करो 53 54 53, एच इसमें 3 आएगा अगर आप ध्यान से करेंगे तो। अब ये आ गया, अब हमने क्या लेकर निकाला, देखो एच 3 है। अब जरा ध्यान से देखो 51 -57 कितना आएगा -6, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 2, -2 आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही इसको 54 में से -57 जाएगा, और 3 से डिवाइड करोगे तो -3/3 कट के 1 आ गया। तो सीधे स्टेप डेविएशन मेथड में जहां एज्यूम मीन लिया जाता है उसके सामने वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0। क्यों आएगी 57, एक्स आई कितना है 57, ये कितना है 57 -57 0 होगा, इंटरवल इधर बढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 0 के बाद 1 2 3। इसके बाद एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा, अब हम उसे बना रहे हैं। UI आ गया, FI आ गया, आप ये XI का मल्टीप्लाई जल्दी में मत कर लेना एग्जाम के अंदर, ऐसी मिस्टेक होती है। FI UI, ये UI है 50 -2 -30 आएगा, 110 का -1 से -110, 135 0 का मल्टीप्लाई 0, 115 का 1 से 115, 25 2 या 50। अब तुम क्या करो, इन सबको एक साथ प्लस करोगे तो -140 और ये आएगा 165। अब इन दोनों को आप इन दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ये वैल्यू किसकी मानी जाएगी, सिग्मा एफ आई यू आई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एज्यूमिंग, ये आपके पास है, क्लास साइज हमने अभी बताया था 50 51 52 3 आ गया, अगला 53 से शुरू हो रहा है तो 52 इसी में काउंट होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे, तो वैल्यूज पुट अप करिए स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूमेंट मेथड नहीं, सॉरी ये फिर गलती हो गई, स्टेप डेविएशन मेथड है, इसको एज्यूमिंग मेथड नहीं बोलते, ये बार बार मिस्टेक हो रही है। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड है, मीन इज इक्वल टू ए सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये कितना है 57। ये अक्सर कर गलती होती है, अंडरलाइन ए के नीचे कर देते हो, उसका मीनिंग उसकी कैलकुलेशन अलग आएगी। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 25, सिग्मा एफ आई कितना है आपका 400, और एच कितना है आपका 3 है। तो एच यहाँ पर आप 3 पुट करोगे, तो 3 पुट करेंगे हम, अब ये काट दो 25 8 जा कितना होगा 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ से 5 से काट दो 5 5 जा 5 8 जा, फिर 5 से कटेगा 16 आएगा 57 3/16 57 3 को 16 से डिवाइड करो तो ये आएगा 0.19। अब इसको प्लस कर दो तो इसका आएगा 57.19, ये आएगा। अब इसके साथ क्या लगाओगे, मैंगोस लिखेंगे, क्या लिखेंगे मैंगोस, ये मैंगोस आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने कौन सी मेथड लगाई, स्टेप डेविएशन। आपके आप चाहो तो इसमें वो भी लगा सकते हो, क्या डायरेक्ट मेथड एज्यूमिंग मेथड लगा सकते हो, एज्यूमिंग मेथड में एच नहीं आता, वो भी हम आपको बताएंगे।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर 57.19 इतने मैंगोस काट के तो नहीं डाले जाएंगे, तो इसका जो एवरेज आएगा वो 58 में आएगा। तो 58 अप्रोक्सीमेटली आंसर लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। हो गया।